गाने का एक्ट के साथ कोई मतलब नहीं है। आपने कहा सर नरजी से शुरू करो, मैंने नरजी से शुरू कर दिया। अब आगे पूरे एक्ट में नरजी नहीं आए तो मेरा कोई दोष नहीं है। एक तो क्रिएशन टीम वालों का दिमाग खराब हो गया है। अभी पिछले हफ्ते अर्चना स्पेशल किया, इस बार फिर हॉरर। नहीं मतलब मैं तो कहता हूँ उसी एपिसोड को रिपीट कर देते, करना क्या है। आपकी हंसी की आवाज थोड़ी सी कम करनी थी, और ठाकुर के एक्ट में तो उसकी भी जरूरत नहीं है। पर खैर आप भी कहेंगे कहाँ लोगों के घर में घुस रहा है। शेट्टी साहब मैं क्या करूँ, जब से इंसानों ने पेड़ काटने शुरू किए ना, हम लोग बेघर हो गए हैं। खुद तो इंसानों ने अपने रहने के लिए कैफे कॉफी डे बना लिए, हम लोगों को मीटिंग करनी होता कहाँ करें। नारियल के पेड़ बचे उन पे हमसे चढ़ा नहीं जाता। परसों मेरा पेट खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा है कि छिलका उतारे बिना फ्रूट खाओ, मैंने नारियल खा लिया। मेरा पेट और खराब हो गया। आपको तो पता पेट खराब हो तो सबसे पहले घर की याद आती, घर मेरा है नहीं, खाया मैंने कुछ नहीं। और डार्लिंग कल से कुछ खाया नहीं, दो खोपड़ियां दे दे चार के साथ। अरे सब खोपड़ियां बड़े बड़े खराब हो गए हैं। बड़े बड़े नहीं खराब होगी, साला माल पीछे से डिफेक्टिव आ रहा है। हर आदमी तो खोपड़ी पहले से खराब है, कुछ और पड़ा तो दे दे। पहले एक्ट नहीं संभाला जाता, अब अपने आप को भी नहीं संभाल रही तू। ये कैसा लगभग बनाया, ना खाया जा रहा ना चबाया जा रहा है। अरे मैं तो पहले से ही कहती थी तेरे बाप की टांग ना किसी के काम की नहीं है। मैंने तुझे कहा था तंदूरी चिकन बना, तूने तंदूरी डैडी बना दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी माँ की दाल बना के पी जाऊंगा मैं। एक खबरदार तू ना ये ना दिल खा ले इसको पाओ में डाल के। ए? इतना काला दिल है, ये दिल है कि कृष्णा का मुंह है। कृष्णा तो गोरा है बे। अब क्या करूं, जब से वीआईपी गया मेरे तो पंची यतीम हो गए हैं। अरे वो बच्चियां कह रही थी कि उनकी सहेलियों के पास ना व्हीकल है, तो तुम उन्हें कब कब लेके दोगे यार? उसको बोल टेंशन मत ले, कल उसकी बुआ की मुंडी कटा के ना उस पे हैंडल लगवा दूंगा मैं। चुप चुप बोलो, मेरी एक ही ननद है। किसने कहा एक ही ननद है? फिर कहेंगे पंच सिमिलर हो रहे हैं। मैं चलता हूं। क्या चलता हूं है? एक काम कर, जाके घर ढूंढ के आ, समझा, जाके मर कहीं पे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आदमी मर के भूत बन जाता है और चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है। क्या सड़े सड़े पुराने पंच मार रहे हैं यार। पुराने मार तो रहा हूँ, तेरे से तो नए भी नहीं मारे जाते। अब बकवास बंद करो, जाके नया कोई पेड़ वेड़ ढूंढ। अरे बच्चियां जवान हो रही है क्या, झाड़ियों में सोएंगी बच्चियां? बच्चियां झाड़ियों में पहली बार सो रही, पहले का ताज पैलेस में सोती थी बच्चियां। बेड़ा घर को तेरा, तेरे साथ रहने से अच्छा मैं अपने बाप के साथ रहती थी। अबे जा, जानता तेरे बाप को कंजूस मक्खी चूस साला। टीनेजर भूतों को डेढ़ डेढ़ घंटे पे अपने कमरे किराए पे देता है, खुद बाहर बैठ के बीड़ियां पी रहा था इसका बाप। जा दबा ले जाके। मैं किसके घर जाऊं रहने, हर किसी के घर में ट्राई कर चुका हूँ। 3 दिन मैं सन्नी पाजी के घर पे रहा और मैं खुद ही वापिस आ गया, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है, वो किधर आते जाते नहीं। दोनों भाई लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। वो भी इसलिए कि गाड़ियों की बैटरी ना डाउन हो जाए। उसके बाद में मैं अभी परसों शक्ति कपूर के घर में छुपने गया, और मैं क्या छुपना, वो पहले ही अपने घर में अपने बेड के नीचे छुपा हुआ है। क्या करें, भूतों की तो जिंदगी खराब हो गई है। मैं कभी तो लगता है भूतों के इंसान हूँ, पर चेंज कर लिया कि नहीं? नहीं। तेरा बेड़ा कर, कितनी देर में मैं पार्टनर चेंज कर लेता हूँ, तेरे से कपड़े नहीं चेंज हो रहे। किधर छुपूं जाके मैं, इस ये घर खाली लग रहा है, ये किसका घर है, इधर छिप जाता हूँ मैं। क्या किट-किट कर रहा है यार है? अरे नहीं है, रोहित बाबा घर पे नहीं है, उधर हंसने को गया है, समझ नहीं आता क्या? हाय दया, ये गाड़ी अपने आप कैसे चलता है? अच्छा गाड़ी अपने आप चलती तुझे दिख गई, इतनी देर से अकेला एक्ट चला रहा हूँ वो नहीं दिखा तुझे? बकवास बंद करनी तो झापड़ मारूंगी तुझे। झापड़ तो तब मारेगी ना जब मैं दिखाई दूंगा भूत हूँ, दिखता हूँ तो मार ले। तेरा बेड़ा गर्क पंच तुझे दिखाई नहीं देता, भूत तुझे दिखाई दे गया। मैंने सुना तेरा मालिक हर किसी को अपनी अगली फिल्म में चांस दे देता है। अरे वो है खाली से बोलता रहता है यार, वो ना अपनी अगली पिक्चर बना चुका है, पिछली क्या बनाएगा। अच्छा है? मेरी बात सुन, ऐसे थोड़ी था, तो ऐसे बोलना था कि अगली तो उसने बना ली, अब तो पिछली बना रहा है। ऐसे करे, आप मुझे अपने घर में रख ले, मैं आपकी ऐसी रखवाली करूंगा ना मैडम, कोई मर्द घर में घुसने नहीं दूंगा मैं। भूत है ना, तो भूत बन के रहे, पति बनने की जरूरत नहीं है, मैरिज नहीं आने देगा। मैडम आप समझी नहीं, मतलब आपके पति को थोड़ी रोकूंगा, उसके आने दूंगा मैं उसको। ए बकवास बंद कर, मैं एक साथ दो दो भूत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगता है राइटर नया है, लगातार दो पंच दे दिए इसको।
तो मेरी बात सुन, फिर तू मुझे अपनी बॉडी में रख ले, मैं बॉडी में भी रह लेता हूँ, भूत हूँ ना, एडजस्टेबल हूँ। भैया मैं तो शादीशुदा है ना, काम करो तुम अर्चना की बॉडी में रह लो। तुझे क्या लगता है ये जो हंसी है उनकी अपनी है? उनके अंदर तो पहले ही चुड़ैलों को गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल? तो एक काम करो तुम ना, रोहित बाबा की बॉडी में रह लो। ये ऑफर है कि धमकी है? कि मुझे ही मैन की बॉडी में घुसारे को ठंडा बुड्ढा सजेस्ट कर मुझे। घर पे बहुत काम किए, तुम काम करो ना उनके बॉडी में जाके रह। उनकी बॉडी में कहां से रहूं, वो खुद अपनी बॉडी में नहीं रहते यार। मेरे को ना काम वालियां बड़ी पसंद है, तू मुझे अपनी बॉडी में रख ले। ए, मैं ना कोई काम वाली नहीं, समझा ना। Myself सुरवीन चावला और आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। वो क्या है ना कि इन्होंने मुझे बोला था कि अपनी अगली फिल्म में एक साफ सुथरा रोल देंगे। पिछले 3 महीनों से इन्हीं के घर की सफाई कर रही हूँ मैं। अब मुझे समझ में आया माजरा क्या है। अर्चना तो फिर डायरेक्टली कह रही थी ना कि आई वांट टू टेक यू होम। ये जब भी कहते ना कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में लूंगा, एक्टर अपने आप इनके घर पहुंच जाते हैं। अब बकवास बंद करो, एक्ट बहुत लंबा हो रहा है, चल खत्म करते हैं। खत्म? देखो मैं करूं तो करूं क्या, अर्चना कहती है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, रोहित कहता है एंड अच्छा होना चाहिए, अब मैं किसकी मानूं? देखो मैंने राइटर को कहा अच्छा सा एंड लिखो, साले से स्क्रिप्ट में लिखा नहीं गया, उसने भट्टी पे लिख के दे दिया, ये देखो। अर्चना, इस बेघर भूत को आप घर लेकर जाएंगे? I wanna take you home. Nice act. आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कपिल, बहुत बहुत अच्छी, एंड आई लव सम ऑफ द पंचेस, आर वेरी वेरी गुड इन द फिल्म। रोहित, मेरे घर पे क्या कर रहे हो यार? आई लाइक द एक्ट, दोनों का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर स्कोर्स भी ले लेते हैं, स्पेशली फॉर यू कपिल। इंसान मिट्टी का पुतला है, एक दिन इस दुनिया में टपका था, एक दिन इस दुनिया से टपक जाएगा, लेकिन दुनिया यही रहेगी। जैसे कॉमेडी सर्कस में कोई आए कोई जाए, कॉमेडी सर्कस था, है और 100 साल बाद भी रहेगा। भूतों के साथ 100 साल के बाद का कॉमेडी सर्कस बनाने आ रहे हैं सुदेश एंड कृष्णा, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। यार डरते नहीं तुम लोग? क्यूट होने का भी पंगा ही है यार। किटी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हॉरर स्पेशल है, आज पता नहीं क्यों VIP की और सुनील पाल की बड़ी कमी महसूस हो रही। अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो किसी को भूत बनने की जरूरत नहीं थी। किटी साहब आप क्यों डर रहे हो हैं? भूत के नाम से आप तो इतने दिनों से बैठे उनके साथ हैं, अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। खैर, 100 साल पहले यहाँ पे कॉमेडी सर्कस शो हुआ करता था। फर्क यह था कि वो इंसानों को लेकर शो बनाते थे और मैं सुदेश लहरी का पोता सिर्फ भूतों को लेकर कॉमेडी शो बनाऊंगा। पहले मैं देख ले मोमबत्ती, तू भी स्टैंड अप है, मैं भी स्टैंड अप हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू मुझसे जलती है, मैं बिल्कुल नहीं जलता। तू क्या समझती है तू ही स्टेज पे आग लगा सकती है? मैं नहीं। शोम टच मी शोम शोम किस मी आत्मा राजो Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Hello, hello, hello. किसका बर्थडे है जी? किसका बर्थडे है? आज मेरे केक का बर्थडे है. इसीलिए मैंने इंसान को काट दिया. उसने बुलाया मुझे यहाँ. मैं सुदेश लहरी का पोता. कौन सुदेश लहरी? कौन सुदेश लहरी? जो कॉमेडी सर्कस में आता था. अरे जिनके सामने रोहित शेट्टी, अर्चना पूरन सिंह, शेखर जज बनते थे. वो शो तो मैंने कभी नहीं देखा. मैंने तो सिर्फ एक ही कॉमेडी शो देखा है जिसमें सुरेंद्र तबले वाला है. ओ यार, वही तो मैं बात कर रहा हूँ. तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो डार्लिंग बहन, बात पता क्या है, मैं एक भूतों पे शो बना रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस, सिर्फ भूतों को लेकर. नहीं नहीं नहीं, वो तो एक शो में ग्लैमर भी तो होना चाहिए. एक आध चुड़ैल तो चलती है ना सर. आपकी किसके साथ जोड़ी बनाऊं? जोड़ी नहीं, मैं जज में आऊंगी. जज वाली आप में क्या बात है भाई, है जज में आएगी. रोहित शेट्टी जैसी मेरी आवाज है और अर्चना जैसी हंसी है. कृष्णा और सुदेश, तुमने जो किया ना, बहुत अच्छा. नहीं, किया. वो तो ठीक है, पर शेखर जैसा क्या है? वो मैं नहीं बता सकता. नहीं बता सकती. ये ले लो. क्या मतलब? सर सर, मैं मोमबत्ती वाला हूँ सर, कोई मोमबत्ती नहीं खरीदता. ओ यार, साला भूत बनके भी कोई नहीं लेता है. चलो यार, मैं अपना काम करूँ. मंत्र मारते हैं. शोम शोम बियर बारम, शोम शोम सेक्सी लेडियों दा फ्लोरम, शोम शोम शक्ति 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 कपूरम. अंकल hey! भाग जाए बाहर जाके खेल, मैं भूत बुला रहा हूँ. अंकल मैं भूत ही हूँ, मैं कैश पर हूँ. देखो यहाँ भूत भी कैश पर हैं और हम सब चेक पर हैं. अंकल मेरा नाम कैश पर है और ना बहुत प्रॉब्लम है, मुझसे कोई डरता ही नहीं है. बेटे ऐसा होता है, कई भूतों के बच्चे भी ना नलायक निकलाते हैं. जाओ खेल जाके, मैं भूत बुला. ओ अंकल नलायक मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा. अरे जा, मेरा दिमाग ना खा जा. दिमाग नहीं, मैं दिल के पकोड़े खाता हूँ. यार कैसे, तुम्हें मेरा दिल खाना ना, तो उसके पास जा, मेरा दिल उसके पास है. तुम मोमबत्ती जला के आप सब भूतों को क्यों बुला रहे हो? देखो बेटे, मैं एक कॉमेडी शो बना रहा हूँ सिर्फ भूतों को लेकर. कॉमेडी सर्कस. कॉमेडी सर्कस? ये कॉमेडी सर्कस में ले लो ना. अरे कॉमेडी सर्कस कोई बच्चों का खेल नहीं है. कॉमेडी, चल ठीक है यार, ऑडिशन कर लेते. कोई कॉमेडी डायलॉग सुना. ओके. तेरी माँ का रामू काका. ये क्या यार, रामू काका कौन है? तेरी माँ का है, तेरी माँ को पता होगा मुझसे. ये डायलॉग में कॉमेडी कहाँ है? कितनी तो कॉमेडी है इसमें. तेरी माँ का रामू काका के साथ चक्कर चल रहा है और तुझे पता भी नहीं है. ओ तेरा बकवास करते, मेरी माँ की बेइज्जती कर रहा है. आप तालियां भी आ रहे हो. एक मिनट, पहले मम्मी को फोन कर लूं यार, माफी मांग लूं, नहीं तो मंत्र नहीं चलता. हेलो मम्मी. अच्छा रामू काका, हट हट. यार अपना काम करें, दुकानदारी खराब हो रही है, प्रोग्राम चलाना है. बड़ा भूत बुलाऊंगा कोई. अगर कोई बड़ा भूत है तो मेरे सामने आयो. शोम शोम इका राखिम. बड़ा भूत. क्यों बुलाया मेरे को इधर? सर जी मैं तो वैसे ही आया था. मैं कैंडल कैंडल नाइट, वो कैंडल डिनर करने आया था. कैंडल ले आया था, वो डिनर घर पे रह गया सर. ये बता कौन है तू? यार ये क्या है यार, मैंने हाथ माँ को बुलाया था, हाथ बाप आ गया यार ये. सर जी मैं सुदेश लहरी का पोता. सुदेश लहरी का पोता तू? हाँ जी. इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप समझो कि वो स्टेज पे कॉमेडी कर सकता था. एक बात बताऊं? हाँ जी. वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था. था नहीं, वो है. 130 साल का घर पे बैठा है. 130 साल का जिंदा है? हाँ, कहते जब तक मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी मैं नहीं मरूंगा. फिर तो तेरा दादा हमेशा अमर रहेगा. ये बता मेरे को काहे को बुलाया इधर?
सर जी मैं ना एक शो बना रहा हूँ कॉमेडी सर्कस। अच्छा हाँ जी, तो आप तैयार हैं फिर? अरे खाक तैयार रहूंगा मैं कैसे तैयार रहूंगा, मेरे पीछे सब लोग तैयार होते हैं इधर, मैं किधर तैयार रहूंगा। एक बात कहूं, आप बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं, यू आर फ्लैटर्ड। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, लेकिन मेरा पार्टनर कौन रहेगा? अरे आप भूत है तो फिर आपका पार्टनर भी कोई भूत ही होगा। तो किसको दोगे? मैं ही भूत हूँ और कौन हूँ भाई जी आप? ये तो मेरे से डरते नहीं, आप तो कम से कम डरो। अरे यहाँ कोई पता नहीं चलता आप जो दो बैठे हैं कि आप इनको इंसान समझ रहे हो। अरे ये तो हमारे भगवान है, नंबर ले लो। तो अर्चना, पार्टिसिपेट करना चाहेंगी आप इन भूतों के कॉमेडी सर्कस में? कॉमेडी सर्कस जैसा भी हो, इंसानों का या भूतों का, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस शो फॉर द नेक्स्ट 500 इयर्स। A very nice concept. I think it is a mind-blowing act. It is very, very good, but not your normal level. Yet, no complaints. It's a wonderful act. Go ahead. पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों की टाइमिंग मिस हो रही थी. First time. वो भी एंड के पोर्शन में. आप लोगों को बेहतर पता होगा. But मुझे कृष्णा और सुदेश के लेवल का नहीं लगा ये. Even the act and the performance also. कोई बात नहीं, हम लोग स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। I would like to give you marks according to what I think कि आज के एपिसोड के हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस था। So I still think it's a 9 points. 8 points. आज है हमारा हॉरर स्पेशल और अब डरने की बारी उनकी जो सिर्फ बैठे बैठे कमाते हैं। सुरेंदर सावधान, यहाँ मेहनती भूतों के पास काम नहीं है और तुम बैठे बैठे कमा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो अब आ रहे हैं काम ढूंढने बेरोजगार भूत राजीव विद सलोनी एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। भूत की एंट्री हुई नहीं गई, हमारी बार अच्छा म्यूजिक भी जा सकते। आपको क्या लगता है कि भूतों में राजेश खन्ना शाहरुख खान नहीं होते? भूतों में सिर्फ गोगा कपूर और टीनू गांधी होते हैं। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार, मैं हूं तुलसी रामसे का सुपरहिट भूत। मुझे भूत बॉलीवुड में राजेश खन्ना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो हिट थे उनके पास बंगला था, आज भूत बंगला है, और जब मैं हिट था मेरे पास भूत बंगला था, मेरे पास बंगला है क्योंकि उसमें इंसान रहते हैं, मुझसे डरते नहीं है। लेकिन मैं बॉलीवुड में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहूंगा। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड में पहुंचा मेरा क्या हाल हुआ मैं क्या बताऊं। सबसे पहले मैं काम मांगने उनके पास पहुंचा जो दिल के बहुत सच्चे हैं और हिलते बहुत अच्छे हैं, कभी तो आएंगे यहाँ पे। यहाँ पकड़ लिया। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैं जब 150 साल पहले जिंदा था तो आपके पास स्ट्रगल करने आता था, मैं भूत बन गया और आप आज भी डायरेक्टर ही हैं। प्लीज मुझे एक्टर बना लीजिए। वेरी गुड। बोलो, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं? कैमरा ऑन, बोलो। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं? भूत, तुम कैमरे में नजर नहीं आ रहे हो। पहले कैमरे में नजर लगाओ तो सही। ओके। क्या हुआ, आपने हिलना क्यों बंद कर दिया? लोग डरते हैं तो हिलते हैं, मैं डरता हूँ तो रुक जाता हूँ। भूत, तुम बड़े डरावने दिखते हो और मैं हॉरर फिल्म में नहीं बनाता। क्या बात कर रहे हो सर, आपसे बड़ी हॉरर फिल्म तो तुलसी रामसे का बाप भी नहीं बना सकता। आपकी तो फिल्म अनाउंस होती है, इंसान छोड़ो भूतों की चीखें निकल जाती हैं। तू मेरी बेइज्जती करता है, मैं तेरा वो हाल करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। है? मेरा मतलब है मौत भर याद रखेगा। मैं अभी जाके नई फिल्म अनाउंस करता हूँ। नहीं सर, नहीं ऐसा मत कीजिए। नहीं सर, इंडिया के पहले नागरिक हैं जिन्हें नेशनल एंथम में खड़े होने के लिए मनाही है। लेकिन हमारा दुख ही अलग है। मैंने सुना था कि बनाने वाला भी राम है और मिटाने वाला भी राम, इंसान को भूतों को भी सेम टू यू। राम से ने बनाया और राम गोपाल ने मिटा दिया। इतनी बुरी तरह फ्लॉप किया है, हमारे पर्सनल बच्चों ने सर अपने बाजू पे लिखवा लिया मेरा बाप फ्लॉप है, हैं? लेकिन मैं खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहूंगा, इसके लिए
चाहे मुझे टीवी पे क्यों ना जाना पड़े, और टीवी पे जाने के लिए मैंने सबसे पहले चुने महारानी टीवी की एकता जी। Once upon a time in Mumbai, I was a television queen. पहले मैं लोगों को बनाती थी, अब फिल्में बनाती हूँ। जो जो यहाँ बैठे हैं, उन सबको मेरी गालियाँ। चिपड़ 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 हट। अब सब ऑडिशन के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। मैडम मैं भूत हूँ, मुझे काम मिलेगा। क्या क्या कर लेता है तू? मैं सबको हंसा लेता हूँ। नाम? राजीव ठाकुर। हट। तेरे तो नाम और स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलती। मैडम अपना छोटा भाई समझ के काम दे दो। तीरक पे हाथ रख दिया। पर डे क्या लगा? 1,00,000 रुपया। वाह, ये कीना कॉमेडी वाली बात। अर्चना जी हंसो। लेकिन मुझे पता नहीं तेरा रोल फिट होगा कि नहीं। कमाल कर रहे हो, ये देखिए मैंने फोटो सेशन कराया। ये मेरी रोमांटिक फोटो, ये देखिए ये मेरी पूरी ग्लैमरस फोटो, ये देखिए ये मेरी इंडियन लुक की फोटो। हट, तू फोटो में दिख ही नहीं रहा। कमाल है, अगर दिख गया तो भूत किस बात का हुआ? तो फिर काम कैसे करेगा तू? खोपड़ी में एक आइडिया आया है। बको। एक मिनट। ये क्या है? इसकी खोपड़ी में आया, मेरी नहीं आया। हाँ, इसने कहा मुझे लेके हॉरर शो बनाओ। हट, मेरा भूत चॉकलेट होना चाहिए। कमाल है, आपने लोगों को डराना है या सुरवीन को उसके साथ सेट कराना है? हट, मेरा भूत रिच लुक का होना चाहिए। मैडम काम देने की नियत होनी चाहिए, वरना आप मिहिर की 15 बार प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हो, मेरी 1 बार ना कराओगे? हट, मैंने बड़े बड़े महारथी खड़े किए हैं। और जो महाभारत से बड़े बड़े महारथी गिराए हैं वो? मैडम प्लीज एक बार एक चांस दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, स्क्रीन टेस्ट दे। हाँ। बोल, कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ है। कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ है। हट, बोल तो ऐसे रहा जैसे कंपनी को बेटा हुआ है। थोड़ा दुख आना चाहिए, दुख। फीलिंग नहीं आ रही। एक काम कर, समझ ले तेरा 100 का नोट खो गया है, अब बोल। एक कॉमेडी सर्कस वाले एक पैसे नहीं देते, ऊपर से मेरा 100 रुपया गुम कर दिया। ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लगवा दो। हट, बोल, कंपनी को। बाहर में गई तेरी कंपनी, मेरा 100 रुपया खो गया, तुझे 500 करोड़ की पड़ी है। हट, में क्या तू? मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। कैसे कैसे लोग ऑफिस में भेज देते हैं। हमारे साथ इतनी दुखदायी बातें होती हैं फिल्मों में भी। आप सोचिए हमारी एंट्री कब होती है? जब हीरोइन नहा रही होती है। हमारी घर में माँ बहनों ने टीवी नहीं देखना। जब भी भूत जा रहा होता उसके पीछे खून, भूत क्या पंचर हो गया है? इतनी गंदी गंदी सिचुएशन में हमें डालते हैं। लेकिन मैं हिट होके रहूंगा, इसलिए मैंने सोचा अब डराने के लिए मैं रियलिटी शो में जाऊंगा, वहां लोग डरेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले वहां पर गया जो भूतों की बड़ी अजीज है और चुड़ैलों के बहुत करीब है। अरे अर्चना जी, आपने लिफाफा फेंक दिया। तुम लोग के चिप्स डाल के फेंकते हो, कौन हो तुम? मैं भूत। मजाक मत करो, अभी डराता हूँ। हो गया तेरा? हाँ? अब मेरा देख। भूत, भूत, लगता मर गया। नहीं नहीं जिंदा है, पता नहीं इनमें क्या होता है। अबे उठ। मैं कहाँ हूँ? कॉमेडी सर्कस में। हाँ? ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने सोचा कॉमेडियन बन जाता हूँ। भूत बनकर भी तेरी गलतफहमी नहीं गई ठाकुर। और वैसे भी जरा ने लोग इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर मेरे रिश्तेदार VIP और सुनील पाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक ही दिखते हैं। मैं दिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसी डरावनी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो कम ही डरावना हूँ। देखा देखा, मैंने आपको हंसा दिया। मुझे छोड़, रोहित को हंसा के दिखा। शर्म नहीं आती? भूतों को स्टेज पे खड़ा करके डराते हो। हर हफ्ते यहाँ पर पार्टिसिपेंट एलिमिनेट करते हो, एक हफ्ते जज नहीं एलिमिनेट कर सकते। सॉरी सॉरी रोहित जी, ये बहने नहीं कहा, ये लहरी साहब बाहर खड़े होकर कह रहे थे। इसका मतलब ये पंच भी तुमने लहरी का ही चुरा के मारा है। नहीं 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 नहीं, क्या तो कपिल रहा था, पर मेरी खुन्नस लहरी साहब से। ये क्या कर दिया ठाकुर, कॉमेडी करने के लिए छू।
झूठ बोल दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि सच बोलूंगा तो कॉमेडी होगी? सच बोलूंगा एक पंच नहीं बनेगा। आप बताइए, सच नंबर वन, ऑप्टिमिस्टिक हर एक्टर का पैसा हर महीने उसके घर में पहुंचाता है। अर्चना जी आप पूरी की पूरी औरत है, कभी शेव नहीं करती हैं। सुरवीन तेरा मुंह तेरी टांगों से ज्यादा अच्छा है। रोहित जी आपको नॉनवेज अच्छा लगता है। राजीव भैया ये क्या कह दिया, पंच मारने के लिए पंगा ले लिया। हाँ, मैंने तो डराने के लिए बोला था, वो डरे नहीं है, अब हमें डराएंगे पक्का। तो रोहित शुरुआत बहुत अच्छी थी एंड द सेकंड पोर्शन बहुत अच्छा, खास करके जो पंच सलोनी ने मारा, आते जो टाइमिंग पकड़ा इसने वाज एक्सीलेंट, मतलब एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ कि कमाल किया आपने। अर्चना कितना मजा आया। मैं इस सीट पर हिट हूँ ना हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस स्टेज पर तो हिट कर ही दिया है। बार बार मुझे लेकर आते वहाँ स्टेज पर एंड द एक्ट वेंट अप वंस आई केम ऑन। एक्चुअली आई थिंक दैट द एक्ट वॉज वेरी वेरी नाइस। टाइमिंग की बात रोहित ने की तो आई थोड़ा डिफरेंस है मेरे ओपिनियन में, कि मुझे लगा कि आप दोनों की टाइमिंग थोड़ी हरिड थी एट प्लेसेस टुवर्ड्स द एंड, इट वॉज गुड टाइमिंग, लेकिन बीच में मुझे लगा थोड़ा जल्दबाजी थी, बट अदरवाइज वेरी इंजॉयबल एक्ट एंड थैंक यू सलोनी फॉर अर्चना। चलिए स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। रोहित 9 points, अर्चना 8 points। लैला मजनू, हीर रांझा, अर्चना परमीत, कृष्णा सुरिंदर, ये ऐसी जोड़ियां हैं जिनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ आ रहे हैं द बाप ऑफ ऑल लव स्टोरीज, मौत से पहले और मौत के बाद की प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं परेश एंड भारती। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। सॉरी, एक्चुअली मुझे दिल की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आज गा नहीं पाई, परेश जी गा रहे हैं। क्योंकि मैं तो दिल से गाती हूँ ना। जस्ट जोकिंग। एक मिनट, आप लोगों ने मुझे पहचाना? अरे मैं सुपर हिट फिल्म एक दूजे के लिए की हीरोइन सपना। क्या हुआ? डरिए मत, फिल्म आए बहुत टाइम हो चुका है, वो तो तब से कोई काम ही नहीं किया ना, इसलिए बैठे बैठे खा खा कर ऐसी हो गई हूँ। सपना लो, कहाँ हो तुम? किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार अंधा होता है, इसे मुझ जैसी हट्टी कट्टी नहीं नजर आ रही। सपना तुम यहाँ हो? वाशु। अरे लेकिन तुम रो क्यों रही हो? वाशु मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे डर मत पगली, अगर हम एलिमिनेट भी हो गए ना तो ये लोग हमने अगले सीजन में लेने ही वाले हैं। मुझे तो लेने वाले आपका पता नहीं। वाशु, मुझे 5 गुंडों ने छेड़ा। तुम्हें 5 गुंडों ने छेड़ा? अरे लेकिन ये तो हमारी फिल्म का एंड है। अरे पता है यार, रोहित जी क्या कहते हैं, क्या कि आप लोगों का एंड ही नहीं ठीक था। इसीलिए आज हम एंड पहले ही कर रहे हैं। अच्छा, चाहे वो कुछ देखे ना देखे, हाँ? कम से कम एंड तो देख ले। वाशु, हाँ वाशु, हाँ हम अपनी जिंदगी का एंड कर ले। आओ वाशु। क्या कर रहे हो? मरो ना। अरे क्या मरो ना, फिल्म की स्टोरी के हिसाब से तो सबसे पहले तुम्हें पहाड़ी से नीचे कूदना है सपना। कैसे कूदूं आदू, जो लड़के मुझे छेड़ने आए थे ना, हाँ? उनको पता नहीं क्या हुआ, मुझे छेड़ने के बाद वो पहाड़ी से कूद गए। अरे सब लोग मेरे जैसे हिम्मत वाले नहीं होते ना सपना। वाशु, हाँ? मुझे किसी ने कहा है, हाँ? कि ये ना खाई 1000 फीट गहरी है। 1000 फीट? हाँ। तो सबसे पहले मैं ही कूद जाता हूँ। हाँ। क्योंकि वैसे भी तुम्हारे कूदने के बाद ये 1500 फीट गहरी हो जाएगी। साला क्लाइमेक्स में भी कॉमेडी कर रहा है, चल जा पहले तू ही जा मर। आई गो। इसको नीचे जाने में तकरीबन 22 सेकंड लगे हैं, मुझे तो 10 सेकंड ही लगेंगे। लेकिन क्या कूदना जरूरी है? अगर मैं ना कूदूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये लोग मेरा पार्टनर चेंज कर देंगे।
और कितना अच्छा होगा अगर मुझे कृष्णा मिल जाए या फिर कपिल मिल जाए। नहीं नहीं, अगर ठाकुर दे दिया तो नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं कूद ही जाती हूँ। आएगा मेलो वाशु, मैं तुम्हारे लिए मर गई वाशु, मर गई। अरे तू तो मेरे लिए मरी, लेकिन मैं तेरे लिए नहीं, तेरी वजह से मरा। जब मैं चट्टानों पर गिरा तो तब मैं मरा नहीं था, मेरे अंदर थोड़ी जान बाकी थी, शायद पत्थरों को मुझ पर रहम आ गया था, लेकिन ऊपर तुम गिरी और मेरा ये हाल कर दिया तुमने। तुम ये मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ सपना, तारीफ। ये देखो तारीफ में मैं मुझे भी निकाल दी। जानम जरा देखो तो सही, तुम्हारी इन फूटी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार है। जानम एक मिनट, मैं है ना तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया हूं। ये देखो खोपड़ियों का हार। वाह कितनी सुंदर खोपड़ी है ना, लगता है किसी खूबसूरत एंकर की होगी। देखो ना बिना वजह ही हंस रही है। वाओ वाशु, हाँ तुम आज भी मुझ पे मौत छिड़कते हो। वाशु क्या हुआ, इतना टाइम हो गया मैं घर जा रही हूँ। फिर कब मिलोगी? ये बस कर ना, गाने गाने गा गा के एक्ट लंबा करी जा रहा है। चल छोड़ो, थैंक यू। ए ए ए क्या हुआ, ए ए एक मिनट, ये क्या क्या एंड खत्म कर दिया, एंड कहाँ है? अरे इन्हें हमारे एंड पसंद कहाँ आते हैं। हाँ। तभी एंड हमने पहले ही कर दिया था ना। अरे हाँ हाँ, अब कहो थैंक यू। थैंक यू। तो अर्चना कैसी लगी ये भूतिया लव स्टोरी? भारती और परेश आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, वो जो आपने क्या परेश की जो निकल ही रहा है वो मूंछ, तो उसको इन द एक्ट यू डिड दैट, देयर वर सम वेरी वेरी नाइस पंचेस, बट अफसोस की फिनिशिंग क्योंकि प्रॉपर नहीं हो पाई इसलिए द ह्यूमर थोड़ा सा यू नो घट गया, बट बोथ योर परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड। मुझे एंटरटेनिंग लगा एक्ट, मज़ा आया देखकर, आप लोगों का परफॉर्मेंस एज यूजुअल टू द मार्क, और एंड पहले कर दिया और मैन्युपुलेट कर दिया आपने मेरे डिसीजन को, तो अभी मैं क्या बोलूँ कि एंड कैसा था। आप लोग खेल के निकल गए, जो बोलते ना एक मुझे ही उल्लू बना के निकल गए, तो अभी मैं क्या बोलूँ। तो चलिए स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्चना मैं ये स्कोर्स आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा दे रही हूँ। 9 points, 8 points, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए। सारे भूतों ने हमें डराया, हंसाया, अब हमें भी इन भूतों को कुछ तो देना ही चाहिए ना, और इन भूतों की हौसला अफजाई के लिए आ रही है एक स्पेशल जोड़ी। वंश करना चाहता है शादी और उसकी बर्बादी के लिए आई है एक कमाल की नारी। प्लीज वेलकम द स्पेशल जोड़ी उत्तरन के वंश एंड राजीव निगम, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। शादी के बिना ना ये जीवन बड़ा महंगा होता है, हर काम के पैसे लगते हैं, शर्ट का बटन लगवाना हो ना तब भी पैसे देने पड़ते हैं। यार यार मैं तो तरस गया हूँ अपनी शादी के लिए कसम से। एक बात तो बताओ कैसे लगता हूँ मैं, सही लगता हूँ कि नहीं? एक चीज मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, और मैं ये सभी उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी शादी नहीं हुई है कि वो भी इस चीज़ को अपने पास संभाल के रखें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। और वो ये हाँ, लेकिन खुशी की बात ये है कि आज मैं एक लड़की से मिल रहा हूँ। अबे ये डिफेक्टेड पीस कहाँ से आ गया? ईश्वर की बनाई हुई इतनी अच्छी कृति को डिफेक्टेड बोलना है तो फिर इसको क्या बोलेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके इस पैर को क्या हुआ है? जवानी में अच्छे लोगों के कदम ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। क्या ये सब लड़कों के चक्कर में हुआ है? शादी के लिए जो लड़का आता था देखने बोलता था चल के दिखाओ, अब इतना चली हूँ मैं, चल चल के मैं ऐसी हो गई हूँ मैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। ये आप ये आँख का क्या खेल है? आँख का ऐसा कुछ नहीं है, आँख का क्या ये पैर के प्रेशर में अपने आप दब जाती है। अच्छा ये बता तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
मम्मी ने तो बोला था किसी को ऐसी बात मत बोलना, लेकिन तुमसे शादी कर रही हूँ सब बताती हूँ। दो चक्कर क्या? हाँ, एक बार भैया की शादी में डांस कर रही थी ना भरी दोपहरी में, बस ऐसा ऐसा ना ऐसा चक्कर आया। अरे संभाल संभाल अपने आप को। एक बार मैं मीठा पान खाई थी तंबाकू वाला, तभी मेरे को चक्कर आया था ऐसा। मैं इन चक्करों की बात नहीं कर रहा, मैं उस टाके की बात कर रहा हूँ। दो टाका? दो? एक बार मैं पप्पू के साथ में पतंग उड़ा रही थी, मांझा इधर फंस गया, नहीं इधर टाके लगे मेरे। किदर, अरे उधर नहीं, इधर देख, इधर टाका। किधर किधर? दूसरा टाका ना, गुल्ली डंडा खेली थी, पप्पू की गुल्ली लग गई मेरे को। अरे रहने दे रहने दे। इधर तो मैं खिजा रही थी, टाके तो इधर आए थे। ओहो यार, इसे कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा घुमा फिरा के पूछोगे तो कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट पूछो सब आता है मेरे को। हाँ, तेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मतलब जॉइंट फैमिली तो नहीं है? ना ना, बिल्कुल नहीं। मेरे को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है। हम लोग केवल सिर्फ 17 भाई हैं। मतलब जॉइंट के अंदर भी जॉइंट लगे ले। तेरे बाप कभी काम भी नहीं जाता था क्या? अच्छा ये बता, 17 के बाद तेरा पप्पा रुक क्यों गया? वो दरअसल माँ को गुस्सा आ गया था, इसलिए घर छोड़ के मायके चली गई थी। इसकी अम्मा को गुस्सा बड़ी जल्दी आया भाई। शादी के बाद पति का पूरा प्यार दोगे ना मेरे को? हाँ, शादी के बाद कहीं पप्पू के जैसे तो नहीं करोगे ना? पप्पू के जैसे? हाँ नहीं, पप्पू अपनी पत्नी को पूरा प्यार नहीं देता, बता रही थी उसकी पत्नी। ये बता, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाएगा? बैंकॉक। बैंकॉक? क्या हुआ? इतनी जूनी जगह मैं नहीं जाएगी, कोई नई जगह लेके जा मेरे को। अच्छा चल जाने मत, कहाँ जाना चाहेगी तू? कुरला। कुरला? अरे कुरला में क्या है? कुरला में क्या है? कुरला में पप्पू की खोली है। अरे माँ कसम यार, ये पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? मुंह को बता, मैं बताती। ए इधर देख पप्पू मैं। अरे बाप रे। अरे भाई भाई भाई, समझा? अरे भाई, 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 इधर आ। अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने आया था, समझा क्या? क्या बात कर रहे भाई, तेरी बहन भी किधर है? वो देख सफेद साड़ी में बैठे लिए। अरे बाप रे, बचा यार, इससे कौन शादी करेगा? नहीं करेगा। अब जिंदगी भर तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, कितनी भी तपस्या करेगा तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, समझा क्या? अरे भाई बाप से दे यार। और हाथ जोड़ने का इधर नहीं, हाथ जोड़ो भाई वो बापू लोगों को। अर्चना, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस रोहित। आपको हमने आपके सोप्स में देखा है, ऑफ कोर्स यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी अप्रिशिएटेड, लेकिन पहली बार यहाँ पर आपने काम किया है, बहुत अच्छा किया है। इट्स कॉमेडी एट इट्स बेस्ट एंड यू डिड अ फैबुलस जॉब रोहित। द वे यू एंटर्ड रोहित, लगाने के आप पहली बार स्टेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यू आर वेरी लकी कि जिनके साथ आपने किया, ही इज अ वेरी सीनियर गाय, बहुत ही गुणी इंसान है ये। मैंने इनको पहले भी जज किया है यहाँ पर, एंड आई थिंक आई बीन प्रिविलेज्ड कि मैंने इनको जज किया, बिकॉज बहुत गुणी इंसान है ये। जोरदार तालियां रोहित और राजीव के लिए।